और अब बीजेपी आएगी, 101% आएगी और 120 सीट के करीब लेके आएगी। सचिन पायलट जी का सिर्फ 2-7 क्षेत्र वही है, फर्स्ट नंबर तो है वसुंधरा जी और दूसरा नंबर जैसे यूपी के अंदर हुआ था कि किसी ने सोचा था क्या कि योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, किसी ने नहीं सोचा ना, और एकदम से प्रधानमंत्री ने योगी जी को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। तो दूसरे नंबर पे बाबा बालकनाथ जी का है, हमने तो मायावती जी को वोट दिया और हमारा वोट तो कांग्रेस में चला गया, तो उस पर कौन भरोसा करेगा। तो बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पे कुछ नहीं है और ना ही आम आदमी पार्टी का यहाँ कुछ है, सिर्फ दो ही पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी। अब योजनाएं बहुत है लेकिन ये योजनाएं अभी क्यों करी, कि उनको पता है कि अपन रहने वाले तो है नहीं, तो घोषणा तो कर दो, पीछे वाली सरकार आएगी वो संभालेगी, अपने बाप का क्या जा रहा है। आज 5 साल पहले उन्होंने घोषणा क्यों नहीं करी और उसको लागू क्यों नहीं किया। नमस्कार, मैं नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान की जो राजनीति में जो बदलाव है उसमें ज़्यादा समय अब बाकी नहीं है, कुछ ही समय बाकी है, परिणाम आगे आ ही जाएगा कि राजस्थान अब किस सरकार को है जो परिणाम देने वाली है, राजस्थान की जनता है उसका क्या मत है, वो जल्द ही सबके सामने आ जाएगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल में बातें कुछ इस तरह ही चल रही हैं कि बीजेपी अपने एक्शन मोड पे नज़र आ रही है लेकिन कांग्रेस सरकार है वो कहीं ना कहीं शांत है, वो नज़र आ रही है। लेकिन हम आम जनता से जानते हैं कि जिस तरह भ्रष्टाचार के मुद्दे उठ रहे हैं, जिस तरह अलग अलग मुद्दे उठा करके, लाल डायरी का आप सुन ही रहे होंगे कि जिस तरह मुद्दे उठ रहे हैं, तो उस पर क्या कुछ विचार है आम जनता का, क्या बीजेपी का साथ, बीजेपी को साथ देगी आम जनता या फिर से कांग्रेस सरकार ही रिपीट होगी या फिर कुछ नई पार्टी है जो इस बार राजस्थान में मुकाम हासिल कर सकती है। तो सर आपको क्या लगता है राजस्थान की सरकार में, राजस्थान में जिस तरह से पिछले 5 साल से गहलोत सरकार रही है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस पर? देखो, राजस्थान का रिकॉर्ड ये है कि 5 साल बीजेपी है, 5 साल कांग्रेस है और अब बीजेपी आएगी, 101% आएगी और 120 सीट के करीब लेके आएगी। अच्छा, गहलोत जी सही है लेकिन गहलोत जी आएंगे नहीं। ऐसा क्यों? कि यहाँ का रिकॉर्ड यही बता रहा है, यहाँ का रिकॉर्ड ये बता रहे हैं। अब लोग वहाँ कहते हैं कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेगा, तो आप मेरे को ये बताओ कि पहले ये बोल रहे थे कि सचिन पायलट की वजह से ही कांग्रेस आई है, तो जब बीच में सचिन पायलट अलग हुआ तो वो एक 18 कैंडिडेट लेके क्यों गया? अगर उन्हीं के दम पे आई है तो सचिन पायलट जी का सिर्फ 2-7 क्षेत्र वही है, बाकी और कहीं नहीं है, कुछ नहीं है। आएगी बीजेपी और मुख्यमंत्री का दावेदार भी फर्स्ट नंबर तो है वसुंधरा जी और दूसरा नंबर जैसे यूपी के अंदर हुआ था कि किसी ने सोचा था क्या कि योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, किसी ने नहीं सोचा ना, और एकदम से प्रधानमंत्री ने योगी जी को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। तो दूसरे नंबर पे बाबा बालकनाथ जी का है। अच्छा, तो बाबा बालकनाथ आएगा और तीसरा नंबर ले तो राजेंद्र राठौड़। हाँ, बाकी और कोई पार्टी का यहाँ पे कुछ नहीं है। आम जो मायावती जी की पार्टी थी उसका जो कुछ था, तो उनके 6 कैंडिडेट जीते हैं, अब 6 के 6 ही कैंडिडेट कांग्रेस में शामिल हो गए, तब उन पे कौन भरोसा करेगा। हमने तो मायावती जी को वोट दिया और हमारा वोट तो कांग्रेस में चला गया, तो उस पर कौन भरोसा करेगा। तो बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पे कुछ नहीं है और ना ही आम आदमी पार्टी का यहाँ कुछ है, सिर्फ दो ही पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी। और ये इलेक्शन भी मोदी जी के चेहरे पे ही लड़े जा रहे हैं, तो इससे कुछ फ़ायदा होगा या नुकसान होगा बीजेपी को? किससे? कि मोदी के नाम पर चेहरा मोदी का ही है, तो इससे कुछ फ़ायदा हो सकता है या फिर नुकसान हो सकता है? फ़ायदा होगा,
फायदा होगा? मोदी जी के नाम पे ही ये इलेक्शन लड़े जाएंगे, उन्हीं के चेहरे पे इलेक्शन लड़े जाएंगे और बाद में मुख्यमंत्री भी घोषित वही करेंगे। तो इसमें आप तीन नाम बता रहे हैं कि तीन लोग हैं जो कतार में लगे हुए हैं बीजेपी में, तो दूसरी तरफ आप योजनाएं अगर हम उठाकर देखें तो गहलोत सरकार की योजनाएं बहुत हैं। अब योजनाएं बहुत है लेकिन ये योजनाएं अभी क्यों करी? कि उनको पता है कि अपन रहने वाले तो है नहीं, तो घोषणा तो कर दो, पीछे वाली सरकार आएगी वो संभालेगी, अपने बाप का क्या जा रहा है? आज 5 साल पहले उन्होंने घोषणा क्यों नहीं करी और उसको लागू क्यों नहीं किया? आज कह रहे हैं हम साहब सिलेंडर फ्री कर दिया, 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी, अब मोबाइल बांट रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो ये 5 साल पहले क्यों नहीं किया? जब 1-2 महीने इलेक्शनों में रहा है, अब घोषणा करने में क्या जाता है? घोषणा तो मैं भी कर दूंगा कि मैं इनको ये कर दूंगा, इनको ये कर दूंगा, इनको ये कर दूंगा। समय से करना चाहिए था, समय रहते हुए करना चाहिए था, अब तक लागू कर देना चाहिए था। खाली घोषणा करने से कुछ नहीं होता है। द्रियावती नदी की घोषणा कर दी गहलोत जी ने, बनाई किसने? वसुंधरा ने बनाई, वसुंधरा जी ने माथे पे उनके मन दिया। तो खाली घोषणा करने से कुछ नहीं होता है, घोषणा आप कुछ भी कर दो। तो इस बार बीजेपी ही आएगी? बीजेपी आएगी, 101% आएगी। तो हमारे साथ और भी कुछ लोग जुड़े हैं, उनसे भी जानेंगे कि किस प्रकार है जो सियासी मोड़ है वो राजस्थान में उफना हुआ है। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे? तो हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं, कुछ युवा साथी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी कुछ जानेंगे कि इस बार जो बीजेपी है वो किस तरह है, जो तैयारियां हैं जो बीजेपी वो चल रही हैं, तो क्या गहलोत सरकार फिर से अपना मुकाम हासिल कर पाएगी या फिर से वही जो बीजेपी सरकार है जिस तरह एक्शन मोड पर है जो नज़र आ रही है। लेकिन राजस्थान में ये बड़ा मसला बना हुआ है कि महिला उत्पीड़न का जो मामला है वो आए दिन हमें देखने को मिलता है। कुछ लोगों का कहना है कि ये तो सिर्फ इलेक्शंस के टाइम ही क्यों होता है, तो ये राजनीतिक मसला इसको बनाकर छोड़ दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी सच्चाइयां हैं वो सामने आ ही जाती हैं। हमारे साथ और भी लोग जुड़े, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे, इस बार गहलोत सरकार को है 5 साल पूरे होने वाले हैं, बीजेपी अपना दावा करती है कि हम जीतेंगे, तो आपको क्या लगता है? देखो मेरे को कोई किसी से कोई मतलब नहीं, ना बीजेपी से मतलब है ना मेरे को कांग्रेस से मतलब है, बाकी के भाई साहब भी बोलेंगे हमारे ये इंटरेस्ट लेते हैं अपन को काम, योजनाओं को फायदा नहीं मिल रहा है, कोई फायदे का टाइम ही नहीं है, इतना टाइम ही नहीं है अपने पास, अपन तो बिजनेस से मतलब रखते हैं अपन को, ये है। और बीजेपी का क्या लगता है, फिर भी 5 साल आती है सरकार, कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ता ही है आम जनता पर, तो आप क्या कहना चाहेंगे, बीजेपी या फिर कांग्रेस? कोई इफेक्ट नहीं है, सब महंगाई बढ़ती जा रही है, कोई मतलब वाली बात है नहीं। मैं तो मैडम एक ही चीज़ कहूँगा कि आम आदमी जी नहीं पा रहा, यानी कहने का मतलब चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों में से किसी की भी सत्ता आती है तो बहुत सारे कमिटमेंट ये लोग करते हैं, लेकिन बाद में जब सत्ता आ जाती है तो उसको निभाते नहीं ये लोग प्रॉपर। और दूसरा, आम आदमी महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो आम आदमी अपने खर्चे जो है वो भी प्रॉपरली कर नहीं पा रहा है, जो डेली रूटीन के उसके खर्चे होते हैं वो भी नहीं कर पा रहा है। इसके लिए भारत सरकार को कुछ सोचना चाहिए, राजस्थान सरकार को भी सोचना चाहिए, और व्यापारी वर्ग तो इतना दुखी है, इतने सारे टैक्स, हर चीज़ पे टैक्स लगा रखे हैं गवर्नमेंट ने, तो उन चीज़ों में व्यापारी वर्ग को राहत देनी चाहिए थोड़ी बहुत गवर्नमेंट को, मेरे ख्याल से। तो कहीं ना कहीं जो आक्रोश है जनता का वो अभी बरकरार है, क्योंकि जो जनता समझते हैं तो वो यही कहना है कि खाली घोषणाएं करने से काम नहीं चलेगा, और बीजेपी का भी यही कहना है कि जिस तरह फ्री जो 200 यूनिट फ्री, जो मुफ्त बिजली, जो मुफ्त की योजनाएं चला रही है गहलोत सरकार, इसका जो जायज़ा है, इसका जो पता है वो बाद में चलेगा कि किस तरह आर्थिक व्यवस्था को संकट है जो आने वाला है। तो क्या ये सच है? जनता का भी यही कहना है कि इस बार, कुछ जनता का ये कहना है कि बीजेपी अपना मुकाम हासिल करेगी, तो कहीं ना कहीं जो जनता का आक्रोश है वो भी देखने को मिल रहा है कि किस तरह गहलोत सरकार से नाराज़गी है, कि जो पिछले अभी जो लास्ट जो समय है उसमें जिस तरह सक्रिय नज़र आ रही है, तो ये गहलोत सरकार की योजनाएँ वो पहले होती, तो किस तरह जो अब हमने अभी जाना है कि आम जनता का किस तरह मुद्दा है, किस तरह की मांगे हैं। और ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहें द फैक्ट इंडिया, मैं आपके साथ नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।